किया गया है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे बिल्कुल एक लंबा संघर्ष जरूर रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में अयोध्या की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा भव्य हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा नगाड़ा तैयार किया गया है जिसकी धुन पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्त झूमते नजर आएंगे। सोने चांदी के वर्क से तैयार 750 किलो का ये नगाड़ा डबगर समाज ने तैयार किया है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुजरात में बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन इसे अयोध्या भेजा जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसी नगाड़े की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में गुंजेगी। ये अहमदाबाद में बना हुआ जो नगारू है वो अयोध्या राम मंदिर जाएगा और इसको बनाने के लिए खास तौर पे अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में यहाँ पे मेरे साथ डबगर समाज के लोग हैं और दीपक भाई है जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा है वो तैयार की, उनके परिवार के लोग और खास तौर पे अखिल भारतीय डबगर समाज ने ये पूरी रूपरेखा तैयार की है। मेरे साथ दीपक भाई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने जो आवाज सुनाई, आपने जो धुन सुनाई वो अयोध्या गुंजेगी, कैसे प्लानिंग की आपने? प्लानिंग जय श्री राम, मेरा नाम दीपक भाई डबगर है। हाँ, इसको प्लानिंग ऐसे किया है कि हमको पहले भी एक उसका आयोजन पता चला कि अगर इतना बड़ा अयोध्या का मंदिर चल रहा है तो उसका टाइम खासे टाइम से चल रहा था, तो हमने समाज में बात किया कि भाई अपने डबगर अखिल भारतीय डबगर समाज का कुछ योगदान रहेगा, जैसे कि पूरा विश्व अपने को याद रखेगा वैसे हमारी नाती 000 ही है। हाँ। इसमें अगर तुम अगर डबगर सर्च मारोगे तो इसका कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है, कोई जानता भी नहीं है कि डबगर क्या चीज़ है। और हमको ये पहचान दिलाना है कि भाई डबगर ढोल नगारा ताशा ऐसा बनाता है, भगवान का काम करते हैं, तो उनकी गुंजाइश पे हमारा नाम होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने राम मंदिर के लिए ये खास तौर पे ये बनाया हाँ। है, नगारू बनाया है, कितने कैसे बनावट की इसकी? हाँ, ये राम मंदिर के लिए जो नगारा बना है तो हजारों साल तक चले ऐसा हमने सोचा है। और वो हजारों साल कैसे चलेगा तो इसके लिए हमने इसके अंदर लोहे की प्लेटा डाली है कि जिसको ये कभी भी खराब नहीं होगा। हाँ। और उसकी दिखावट के लिए हमने तांबे का पतरा यूज किया है जो नक्शी काम में वर्क किया है, फिर उसके बाद उसका रूप रंग भी दिया है तो उसके अंदर सिल्वर और गोल्डन कलर से पॉलिश किया है कि अगर कोई भी इंसान अगर उसका फोटो खींचता है या जो भी करता है तो पूरा नगारा अपने को सोने चांदी जैसा दिखेगा। अगर ये दिखेगा और नरेंद्र मोदी साहब इसकी गूंज करेंगे और अखिल विश्व में इसकी गूंज जानी चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ में पैदल निकली हैं। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया है। शबनम का कहना है कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वह कहती हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है, ये दिखाने के लिए वह यात्रा पर निकली हैं। और शबनम का कहना है कि भगवान राम सबके हैं, राम जी को याद करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मेरा उद्देश्य यही है कि लड़के कर सकते हैं पदयात्रा तो लड़की क्यों नहीं। सबसे पहले जब पता चला लोगों को कि अरे मैं पैदल यात्रा के लिए निकली, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन ये था कि अरे तू तो लड़की है, इतना दूर तू जाएगी वो भी चल के। तो ये लोगों का जो भ्रम है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, वो मुझे तोड़ना है। और दूसरा ये है कि देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके है, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। गर्भगृह की मूर्ति चयन पर बड़ी खबर मिल रही है, पदाधिकारियों ने अपना वोट दे दिया है। मूर्ति पर सुझाव पर्ची में लिखकर ट्रस्ट महासचिव अध्यक्ष लेंगे आखिरी फैसला। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जो वोटिंग होनी थी, वोटिंग के जरिए यह चुना जाना था कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रखी जाएगी, तो वोट डल चुके हैं और अब ट्रस्ट महासचिव अध्यक्ष ये आखिरी फैसला लेंगे कि तीनों में से वो कौन सी मूर्ति होगी जो कि गर्भगृह के अंदर रखी जानी है। तो भगवान राम के बाल स्वरूप के लिए तीन मूर्तियां बनवाई जा रही थी और पहले भी ये जानकारी साझा की गई थी कि तीन मूर्तियों में से जो सबसे अच्छी होगी उसी को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। नेपाल में भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। भगवान श्री राम के ससुराल जनकपुर के लोग नेपाल के प्रमुख नदियों से जल इकट्ठा कर उसे अयोध्या में श्री राम ट्रस्ट को सौंपने के लिए आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस जल रथ यात्रा को लाया जा रहा है और आज ये जल रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर पहुंची है, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व इस जल से जलाभिषेक किया जाएगा और इसके बाद में वस्त्र पहनाए जाएंगे और फिर प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। ये रथ यात्रा जनकपुर धाम नेपाल से निकली हुई है, ये अयोध्या में जाके सम्पन्न होगी। वहाँ हम लोग जल लेके आए हुए हैं, जो भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया जाएगा, उसके लिए हम लोग श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हम लोग जल हस्तांतरण करने के लिए आए हुए हैं। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके लिए हम लोग जल लेके आए कि ससुराल के जल से उनका जलाभिषेक किया जाए, आगे का उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाए। तो नेपाल से देखिए ये जल यहाँ पर लाया गया है। नेपाल की तमाम नदियाँ जहाँ से ये जल इकट्ठा करके अब ये गोरखनाथ आज पहुँचा, तो यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तांबे का कलश और इसमें कई नदियों का पानी है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पहले इस जल से स्नान कराया जाएगा राम जी को और उसके बाद में वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। और नेपाल से जब लोग पहुँचे जल लेकर तो भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। आगे रास्ता कुछ और बाकी है और अयोध्या ये जल पहुंच जाएगा। और रामलला की पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और अब रामलला की पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो कल पीएम को आना है और उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से आप वो तस्वीरें देखिए, जल रथ यात्रा है, नेपाल की कई नदियों से जल पहुंचा है गोरखनाथ और इसके बाद में आगे भी पहुंचाया जाएगा। अयोध्या जाना है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसी जल से रामलला को पहले स्नान कराया जाएगा और उसके बाद में वस्त्र धारण करा के प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान है वो पूरा होगा। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जब लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे थे तो वहां पहुंचकर उन्होंने सेल्फी भी ली। तो खास तौर पर लता मंगेशकर चौक को सजाया गया है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे थे तैयारियों का, तो वहां पर उन्होंने पहुंचकर सेल्फी भी ली। हालांकि लता मंगेशकर चौक को सेल्फी पॉइंट कहा जाता है, जब लोग अयोध्या आते हैं दर्शन करने के लिए तो ये सरयू नदी के तट पर ही बना हुआ है और लता मंगेशकर की याद में इसे बनाया गया था। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी भी ली। तो तस्वीरें आप देखिए, कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री जब जायजा लेने के लिए पहुंचे थे तैयारियों का तो वो लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सेल्फी ली। हालांकि लोग दूर दूर से जब अयोध्या पहुंचते हैं तो अक्सर यहां पर आकर लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी लेते हैं, इसीलिए इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। यहां से सरयू का जो तट है, सरयू नदी और साथ ही जो पीछे का जो पूरा नजारा है वो बहुत खूबसूरत नजर आता है। और ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। तो तैयारियां देखिए काफी जोरों पर चल रही है और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वही हॉल जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी होगा और कई बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री देंगे अयोध्या को, जिससे फायदा ना सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया को होगा। तो राम भक्तों के लिए कल का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि अयोध्या जाना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक एक तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, साज सज्जा कैसे की गई है। इसके अलावा जहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है, जिस रूट से होकर गुजरेंगे वहां पर कैसी तैयारियां हैं, एक एक तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये रामलला की पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी और रामलला की आरती उतारते हुए आप मुख्यमंत्री को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सेल्फी लेते हुए दूसरी तस्वीर आप देखिए,
और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।